नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। दीपावली से पहले धनतेरस पर आज देशभर में धूम है और इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के दो दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर बाजारों को खास तौर पर सजा दिया गया है। हिंदू त्योहारों में धनतेरस का एक खास महत्व है। धनतेरस को लेकर राजस्थान के बाजार भी सज चुके हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जैसलमेर, अजमेर और बूंदी की ये चार अलग अलग तस्वीरें हैं। धनतेरस को लेकर विशेष उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता, अलग अलग जिलों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कोटा से हमारे साथ शाकिर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से, साथ ही साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े। सबसे पहले शाकिर का रुख करते हैं। शाकिर, कैसा आज माहौल देखने को मिल रहा है और खरीदारों में कैसा उत्साह, चूंकि आज धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, कोटा में भी धनतेरस को जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार है। तमाम जो शहर के वाहन के शोरूम है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। ज्वेलरी शोरूम पर जो है लोग पहुंच करके खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है आज के दिन जो है ज्वेलरी को खरीदना। परिवार के साथ जो है लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, किस तरह की ज्वेलरी खरीद रहे हैं आज? गोल्ड का कॉइन खरीदा है और लक्ष्मी चरण पादुका, जैसे टीवी में बताते हैं ना, उस हिसाब से पंडित के हिसाब से, और कॉइन खरीदा है सिल्वर और गोल्ड का। तैयारियां पूरी चल रही है दीपावली? बिल्कुल, तो तैयारियां जो है वो पूरी तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीद रहे हैं और भी लोग हैं इनसे। जी, आप क्या खरीद रहे हैं? मम्मी के लिए रिंग ले रहे हैं। तो धनतेरस पे मम्मी को गिफ्ट देना है। तो अपने घर वालों को भी जो है गिफ्ट देंगे, और किस किस तरह की ज्वेलरी यहाँ पर जो है स्पेशल रखी गई है उस बारे में भी बात करते हैं। जी मैडम, क्या खास है इस बार ज्वेलरी में? सभी ये चेने है, टॉप्स है, अंगूठियाँ है, हार सेट है, टेम्पल ज्वेलरी है, राजस्थानी ज्वेलरी है, सारी माणक मोती पन्ना ज्वेलरी है, सारी ज्वेलरी अवेलेबल है। लोग आ रहे हैं, खूब खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आचार संहिता की वजह से थोड़ी छोटी खरीदारी हो रही है, बड़ी खरीदारी कम हो रही है और सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अभी कोई भी नगद में ज्वेलरी नहीं खरीद रहा, सब ऑनलाइन खरीद रहे। देखिए, चुनावी मौसम है और आचार संहिता की वजह से, क्योंकि आचार संहिता में ज्यादा पैसे लेकर के, कैश लेकर के घर से बाहर नहीं निकल सकते, कई तरह की पूछताछ की जाती है, तो कम ज्वेलरी खरीद रहे लोग। मैं आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की ज्वेलरी खरीद रहे हैं आप? मैसेज के लिए तो दीपावली का टाइम है, खुशी का त्योहार है, उसकी वजह से घर के लिए भी शॉपिंग करने आए तो हार वगैरह खरीद रहे हैं और खुशी का त्योहार है और तो इस खुशी को जो है सब अच्छे से मनाना चाहते हैं, इस दीपावली को यादगार बनाना चाहते हैं। और भी लोग पहुंचे, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आंटी, किस तरह मना रहे हैं दीपावली का पर्व, आपसे जानना चाहेंगे। आप बताइए। जी सर, काफी उत्साह से मना रहे हैं आज धनतेरस, इस वजह से कुछ सोना चांदी घर में इस वजह से लेने आए हैं कि उत्साह है इस त्योहार का, बाकी एंजॉय कर रहे हैं सारे दुकान पे। आज का ऐसा ही सीन है। तो जो भीड़ है वो अपने अपने परिवार के साथ पहुंचे। जी आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या खरीद?